इसलिए जीवन में सत्संग की अति आवश्यकता है। अगर सत्संग हमें प्राप्त हो तभी हमें ज्ञान होगा कि हम संसार हमको नहीं बांध रखा है, हमने संसार को पकड़। संसार को छोड़ दो, ये तो मन की भाव है। हम सोचते हैं कि बंधे हैं तो बंधे हैं। गुरु महाराज एक उदाहरण सुनाया करते हैं प्रायः। एक काशी की घटना और सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़ा रख करके गंगा जी में कपड़ा धोने के लिए गया। किनारे उस गधे को खड़ा कर दिया, कपड़े उतारा। अब कपड़ा उतार करके गट्ठर रखा, अब सोचने लगा चलो गधे को बांध दे, जब तक मैं कपड़ा धोऊंगा तब तक इसको बांध देते हैं, नहीं तो ये भाग जाएगा तो मैं कहां से ढूंढता फिरूंगा। तो देखा गठरी में तो रस्सी नहीं, रस्सी घर पे ही छूट गई। अब बड़ा परेशान, बड़ी परेशान। अब कैसे बांधे, रस्सी तो है नहीं, और अगर बांधेंगे नहीं तो भाग जाएगा। आधे पौन घंटे हो गए परेशान होते होते, तो एक संत जा रहे हैं। ध्यान देना, संत तो युक्ति से मुक्ति करवाते हैं। संत जा रहे थे, संत ने कहा भाई काहे को परेशान हो। महाराज रस्सी घर पे ही भूल आया हूं, कपड़ा धोना है। अगर गधे को नहीं बांधूंगा और मैं कपड़ा धोने लगा तो ये भाग जाएगा, फिर मैं कहां से इसे ढूंढता फिरूंगा। अब रस्सी नहीं है, कैसे बांधू, इसलिए मैं परेशान हूं। संत ने कहा इसमें क्या है, ऐसा करो गधे के पैर को लेकर के ऐसे मोड़ दो। अब मोड़ करके झूठ मूठ के ऐसे हाथ को घुमा करके और ऐसे कर दो। उसने वैसे ही किया, गधे को पैर के को लेकर के ऐसे मोड़ दिया। अब मोड़ करके झूठ मूठ के हाथ घुमाया तो गधा सोचा जो कि रस्सी से बांध रहा है, ऐसे घुमा करके और वहां वो कर दिया। अब छोड़ करके वो पूरी कपड़ा धो लिया, कपड़ा धोने के बाद उस कपड़े सूख भी गए और कपड़े को घड़ी करके गट्ठर भी बना लिया, लेकिन गधा तस से मस नहीं, पैर भी नहीं हिलाया। अब उसने शाम के टाइम में गट्ठर उठर बांध करके गधे के ऊपर डाल। और गधे के ऊपर गट्ठर डाल करके और टिक टिक करके उसको चलाया। अब वो गधा चले ही, अब डंडे भी मारे तो भी न चले। अब बड़ा परेशान कि ये चल क्यों नहीं रहा, और गधा वही का वही खड़ा आगे बढ़े ही।
घंटा देर हो गए परेशान होते होते, लेकिन वो गधा आगे बढ़ गया। शाम को घूमते घूमते गंगा किनारे किनारे फिर वही समता का, और गधे उसको धोबी को देखा परेशान, तो धोबी से पूछा, भाई धोबी काहे को परेशान है, सुबेरे भी तू परेशान था, अब भी परेशान है। अरे महाराज क्या बताओ, ये गधा चल ही नहीं रहा है, मैं इतने देर से इसे डंडे भी मार रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन ये चल नहीं रहा है। संत ने कहा, भाई उसका तुमने रस्सी खोला? धोबी ने कहा, मैंने बांधा कब था जो खोलता उसको, मैं तो बांधा ही नहीं था। संत ने कहा, जैसे तुम झूठ मूठ के बांधे थे वैसे ही झूठ मूठ के उसे खोलो। धोबी ने वैसे ही झूठ मूठ के खोल करके हाथ को घुमा करके और पैर को लेकर के ऐसे सीधा किया, और जैसे ही सीधा किया वैसे ही गधा सीधे भागने लगा। तो मेरे भाई, ऐसे ही झूठ मूठ के हम लोग बंधे, हमने सोच लिया है मैं बंधा। किसी ने कहा, अरे महाराज क्या बताऊं, बड़ा प्रपंच में फंसा। प्रपंच में तुम स्वयं फंसे हो, तुम्हें किसी ने फंसाया नहीं है। तुम मानते हो कि ये बेटे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है, ये कुटुंब मेरे है, ये मकान मेरा है, लेकिन अगर आप हकीकत में देखो, क्या तुम्हारा है? तुम स्वयं बंधे हो, तुम्हें कोई बांधा नहीं है, तुम तो जीवन मुक्त हो, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहम्। तुम्हें किसी ने बांधा नहीं है मेरे भाई, तुम स्वयं बंधे हो। इसलिए अगर उस बंधन से मुक्त होना है तो भगवत चरणों का आश्रय तुम्हें लेना पड़ेगा। भगवान शिव के चरणों का आश्रय तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जीवन व्यतीत हो गए यही करते करते, मेरे भाई एक एक क्षण तुम्हारा बड़ी कीमती है। इस क्षण को व्यर्थ में नष्ट मत करो। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
तो बंधन से मुक्त होना है। तो भगवान शिव के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। आवागमन से अगर छूटना है भवसागर से पार होना है तो भगवान आशुतोष का नाम का उस पंचाक्षर मंत्र नाम का आश्रय तो लेना ही नहीं तो आकर चार लक्ष चौरासी योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर पेरा काल कर्म सुभाव गुण घेर। ये चौरासी का चक्कर आप विचार करो, एक एक योनि में भी अगर दस दस साल रहना पड़े तो कितने वर्ष हो गए? 84 लाख। और इतने चक्कर काटने के बाद ये मानव का तन और ये मानव के तन प्राप्त करके भी अगर भगवत कृपा प्राप्त तुम नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा अज्ञान अज्ञानी कोई नहीं। केवल खाना विषय भोग करना और नोट कमाना यही मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है उस शिव तत्व को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य है शिव कृपा को प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य है उस शिव धाम को प्राप्त करना। इसलिए मेरे भाई बहन बंधन मुक्त होने के लिए शिव कृपा तो अति आवश्यक। शिव कृपा के साथ साथ एक बात और कहूंगा कि जब तक तुम मुक्त होना स्वयं नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई मुक्त कर नहीं सकता। कृपा तो भगवान भोलेनाथ के हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं। कुछ कृपा तुम भी अपने ऊपर श्रुत जी महाराज ने बंधन से मुक्त होने का उपाय बताया। हे शौनक जब तक संसार के बंधन से मुक्त नहीं होगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष का मतलब क्या है? कर्म फल का नाश। ये हम लोग जो कर्म किए हैं उसी के फल तो भोग रहे हैं। जो अच्छा कर्म किया है उसे अच्छा फल मिल रहा है, जो बुरा कर्म किया है उसे बुरा फल मिल रहा है।
बोया पेर बबूर का तो आम कहां से खाए। अगर तुमने कभी जीवन में अच्छा कर्म किया ही नहीं, निरंतर तुमने पाप ही पाप किया, जिस समय भागवत में प्रसंग आता है कि जिस समय भगवान ध्रुव को दर्शन दिए केवल 6 महीने, तो ऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताओ, हम लोग इतने सालों साल से कई जन्मों से तपस्या कर रहे हैं और हमें दर्शन नहीं मिला, और ध्रुव को कुल 6 महीने में दर्शन मिल गए। भगवान ने कहा कि चलो मेरे साथ, ले गए नौका में बैठाया, समुद्र में दूर ले गए। जब जा रहे थे समुद्र के बीच से तो देखा क्या, एक पहाड़, कुछ पहाड़ों में अग्नि लग गई और सब जल रहे। संतों ने पूछा भगवान से, महाराज ये क्या है, ये आग लगी हुई है, सब जल रहे हैं। भगवान ने कहा यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें लाया था, ये 6 जन्मों का जो कर्म फल था ध्रुव का बकाया, वो अब जल करके राख हो गया है और इसीलिए मैं उसको दर्शन देने के लिए आया। कर्म फल नाश हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हे शौनक, जीव शिव के अनुग्रह से अपनी कर्म फल का को नाश करते हुए और शिव लोक को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। फिर शनकादि ऋषियों को एक बात, शनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज भगवान शिव भस्म धारण क्यों करते, एक बात समझ ले, भगवान शिव निरंतर शमशान में रहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हाँ।
के संसार में जीव जीवन भर हाय हाय करता रहता, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन यहां पर आने के बाद देखता क्या हूं, साथ कुछ नहीं होते, खाली हाथ, एक रुपए का सिक्का भी उसके हाथ में नहीं होता। कुछ भी उसके साथ नहीं होते, केवल साथ होता है तो उसके किए हुए कर्म का फल। इसलिए भगवान शिव शमशान में रहकर चिता भस्मा लेपो गरल मशनम दिपट धरो जटाधारी कंटे भुजंग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशु भजति जगदीशैकपद शमशानेश्वक्रीरा शमरहर पिशाचा दुहितरम भगवान शिव हमारे संत तो कहते हैं कि दुनिया वाले पैसे खर्च करके और उसे पाउडर खरीदते हैं और शरीर पे छिड़कते हैं, लेकिन हमारे बाबा फ्री के पाउडर, और ऐसा पाउडर दक्षिणे हम लोग आगे चल करके प्रसंग सुनेंगे। कि दक्षिणे जिस समय भगवान भोलेनाथ देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी और उसमें आसन पर विराजमान थे, दक्ष प्रजापति बन गया था और ब्रह्मलोक में ब्रह्म देवताओं की सभा में पधारे तो सब देवता उठ करके खड़े हुए, लेकिन भगवान भोलेनाथ उठ करके खड़े नहीं। दक्ष को बड़ा क्रोध आया कि देखो, एक तो मैं इसका ससुर और दूसरा प्रजापति, इतना बड़ा पद, भैया पद का बड़ा अभिमान होता है, लेकिन कभी भी अभिमान किसी चीज का मत करना। किसी भी वस्तु का अभिमान मत करना, अभिमान निरंतर पतन का कारण बनता है। तो दक्षिणे यही सोच करके और भगवान शिव के लिए कहा कि देखो, ये जिसको अमंगल कहा जाता है, हम लोग शमशान में जाते हैं तो जा करके आकर के स्नान करते हैं, सच्चैल वस्त्र, सच्चैल वस्त्र से फिर हम घर आते हैं। शमशान में गए तो अपवित्र हो गए,
यही तो कहते हैं अशुद्ध हो गए क्योंकि तुम शमशान में गए। और बाबा तो शमशान में निवास, उनका घर ही शमशान है। क्या अद्भुत देव है। घर शमशान को घर बना लिया, पहनने के लिए बागंबर। हम लोग चर्चा करेंगे जब भगवती शिव का विवाह का प्रसंग आएगा तो कि कैसे देश है भगवान शिव का। तो भगवान शिव जो है आपने दर्शन किए होंगे उज्जैनी में महाकाल के, चिता का भस्म, चिता का भस्म रोज भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। बस भस्म आरती होती है ना, क्योंकि चिता भस्म भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। भस्मी भूतेन सायकम, हमारे संत तो कहते हैं कि भगवान विश्वनाथ भस्म इसलिए लगाते हैं कि जब लोग जाते हैं ना लेकर के तो क्या कहते हैं, राम नाम। देखो कितनी विडंबना, बोलते तो जाते हैं लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते। तो कहते जो ये राम नाम सत्य है जो कहते हुए जाते ना, तो भगवान शिव सोचते हैं कि इतने व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति सब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उस व्यक्ति के चारों तरफ कहते हुए चल रहे हैं, तो उसके रोम रोम जैसे टेप रिकॉर्डर होता है ना, बटन दबाओ सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो जाता है, ऐसे ही जब उस व्यक्ति के चारों तरफ ये ध्वनि सुनाई देता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उस व्यक्ति के रोम रोम में राम नाम समा गया है। और जब उस व्यक्ति के शरीर के राख जो है, भस्म जो है, मैं अपने शरीर में लगाऊंगा तो मेरे रोम रोम में भी राम नाम समा जाए। दूसरा, भस्मी भूतेन सायकम, ये शरीर तो एक दिन भस्म हो नहीं है, शरीर की तीन गति है, जल में डालोगे तो जल के कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, मिट्टी में दबाओगे तो मिट्टी के कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, अग्नि में दोगे तो जल करके भस्म हो जाएंगे। तो भगवान शिव सोचते हैं कि अरे एक दिन ये शरीर भी भस्म ही होना है,
तो भस्म के ऊपर और भस्म को भगवान शिव धारण। ये जो भस्म की अद्भुत महिमा, ऋषियों ने पार्थिव शिव पूजन के विषय में पूछा कि महाराज पार्थिव शिव पूजन का महत्व क्या है। आप मुझे ये बताओ, तो उन्होंने पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि बताई। श्रुत जी ने कि पार्थिव वेद मंत्रों के द्वारा मिट्टी को खोदे, वेद मंत्रों के द्वारा उसे गूंथे, वेद मंत्रों के द्वारा उस पार्थिव लिंग को बनाए, फिर उसकी पूजन करें। कलयुग में पार्थिव लिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ बनाया बताया। कल भी हम लोग पूजा के महत्व के ऊपर कुछ विचार किए थे। एक पंचोपचार पूजा होता है, एक षोडशोपचार पूजा होता है, एक राजोपचार पूजा होता है। पंचोपचार पूजा में गंध पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य, ये पांच वस्तु पंचोपचार पूजा। षोडशोपचार पूजा में पहले ध्यान, ध्याय नित्यम मही समृद्ध ग्रीवम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशीनं समन्तास्तुतमं गणेभ्यः वशानं विश्वादं विश्ववंदं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यानार्थे स्वागतार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पया। तो पहले ध्यान आवाहन, पहले आवाहन फिर ध्यान फिर आसन। इसके बाद पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्त्यो अर्घम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। पहले पैर चरण को धो,
फिर हाथ धुलाओ, फिर आचमन कराओ, मुखे आचमन आचमन कराओ, और फिर सर्वांग स्नान। और फिर अगर पंचामृत से आपको अभिषेक करनी है तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर घृत से, फिर मधु से, और फिर शर्करा से पंचामृत स्नान करवाएं। फिर इसके बाद उसको प्रक्षालन करें, मार्जन करें, और फिर वस्त्र धारण करें। फिर यज्ञोपवीत, फिर उपवस्त्र, फिर चंदन, गंधद्वारांद्रादर्शामृतपुष्टांगरीषणमीश्वरीम सर्वभूतानां तामिहो पहवेश्रियम्। फिर चंदन, श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंडाढ़ सुमनोहरम विलेपरम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। फिर चंदन के बाद पहले श्वेत चंदन, फिर रक्त चंदन, फिर इसके बाद अक्षत, अक्षत के बाद फिर पुष्पमाला, और पुष्पमाला के बाद फिर दुर्वा, दुर्वा के बाद फिर बिल्वपत्र, काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघमासस्य एक बिल्वम शिवार्पणम। बिल्व पत्र के बाद फिर भस्म, फिर कुमकुम, फिर सिंदूर, फिर अबीर गुलाल, और इसके बाद फिर धूप दीप, फिर नैवेद्य फल, मुख शुद्ध्यर्थ तांबूल, इसके बाद गंध के द्वारा करोत वर्तन, और फिर द्रव्य दक्षिणा, और इसके बाद आरती, और आरती के बाद फिर यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे। फिर परिक्रमा, लेकिन शिव की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती कभी भी। शिव की अर्ध परिक्रमा हो, शिव के स्नान के जल का उल्लंघन नहीं किया जाता, लांघा नहीं जाता। शिव निर्माल्य में एक बात आप लोग ध्यान दो और ये ध्यान से सुनो, क्योंकि छोटी छोटी बातें हम समझ नहीं पाते हैं और पूजा में हम गलती कर बैठते हैं, और जहां पुण्य होने के बजाय पाप हो जाता। कभी भी तांबे के बर्तन में दूध भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव निर्माल कभी भी हमारे पैर से न लगे, शिव निर्माल का स्पर्श पैर से होने के बाद, कई बार हम मंदिर में जाते हैं शिव जी के चरी हुई निर्माल पड़ा होता है और उसी पे पैर रख करके हम आगे बढ़ जाते हैं,
हमारा सिर निर्माल्य के ऊपर पैर रखने के कारण हमारा पुण्य का क्षीण हो जाता। एक कथा आती है पुष्पदंत का, जो शिव महिम्न स्तोत्र का रचना किए, पाठ किया भगवान शिव को, बहुत बड़ा पुष्पदंत, बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त हुए, बहुत बड़ा। कल भी मैंने बताया था कि सुंदर सुंदर वस्त्र भगवान को चाहिए, तो उनको कई को शौक होता है। अब हमें ये, हम अपने ही कमी बताते कि पूजा में अगर तुलसी ना हो, पूजा में दुर्वा ना हो, पूजा में बिल्व पत्र ना हो। अब दो दिन से बिल पत्र नहीं मिल रहा था तो बड़ा परेशान था कि भाई बिल पत्र मिल नहीं रहे, क्या करूं। तो आज सुबह प्रातः काल घूमने के लिए गया तो एक पार्क में मेरे को बिल्व पत्र का वृक्ष दिख गया। अचानक भगवान शिव की कृपा थी, पूजा के लिए बिल पत्र मिल गया। तो पूजा की में बिल पत्र ना हो, दुर्वा ना हो, पुष्प ना हो सुंदर सुंदर, तो पूजा का आनंद नहीं आता है। तो पुष्प दंत को एक आदत थी कि सुंदर सुंदर पुष्प चुन करके बगीचे से लाते और भगवान शिव को अर्पण करते। इंद्र की बगीचा में जा करके और रोज अंधेरे में ही चले जाते अर्धरात्रि में, अब पुष्प चुरा करके तोड़ करके ला करके भगवान शिव को चढ़ाते। अब जब इंद्र उठता तो पूजा के लिए पुष्प नहीं। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हो गए, पुष्प मिल नहीं रहा। तो शिव को से कहा, भाई पुष्प कहां चला जाता है? महाराज पता नहीं, अर्धरात्रि में ही कोई पुष्प चोरी करके ले जाता है। पता लगाओ कौन ले जाता। अब कोई की दिखाई दे तब तो पता लगे कि कौन ले जाता है, कोई दिखाई ना दे। तब उन्होंने कहा, महाराज पता नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा कोई। क्योंकि वो आकाश मार्ग से आते थे और पुष्प लेकर के आकाश मार्ग से ही चले जाते। तो क्या किया, भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी हुई निर्माल्य को, अक्षत पुष्प बिल्व पत्र दुर्वा इत्यादि सारी बगीचे में फैला दिया। पुष्प दंत को पता नहीं चला, आकाश मार्ग से आया बगीचे में और पुष्प तोड़ा, और पुष्प तोड़ करके जैसे ही उड़ने लगा के प्रयत्न किया, उड़ नहीं पाया। अब बड़ा परेशान, क्या हो गया मुझसे, ऐसा अपराध क्या हो गया जो मैं नहीं उड़ पा रहा। बड़ा परेशान। तो अचानक उसकी दृष्टि नीचे पड़ गई तो
देखा क्या बिल पत्र और अक्षत परे हुए हैं जिसपे हमारा पैर पड़े। अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। शिव निर्माल्य के ऊपर हमारा पैर पड़ गया। शिव निर्माल्य के ऊपर पैर पड़ने के कारण पुष्प दंत का पुण्य नष्ट हो गया और वो उड़ नहीं। तब भगवान शिव से क्षमा याचना के लिए उन्होंने शिव महिम स्तोत्र का रचना की। भगवान शिव को महिम न पारमते परम विदुष स्तुतिर ब्रह्मादी नाम अपि तद्वशनाथ। अद्भुत शिव महिम स्तोत्र है। तो प्रयत्न करो शिव निर्माण के ऊपर पैर नहीं पड़े। भगवान शिव के आरती के बाद क्षमा प्रार्थना आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां शिव शक्तिः। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुदेश यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु।